पूर्वी चंपारण में आज सुबह से ही घने कोहरे का प्रकोप दिख रहा है। घने कोहरे से आम लोगों को परेशानियां हो रही है। दिन के चढ़ने के साथ साथ कोहरा और घना होता गया, जिससे वाहन चालकों को गाड़ी चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। चालक अपने वाहनों के लाइट जलाकर चलते दिखे। वही स्थानीय लोग छठ के बाद एकाएक छाए कोहरे को प्रदूषण का कारण बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि ठंड के मौसम में होने वाले कोहरे में नमी और ठंडक होती है, लेकिन छठ के कल से शुरू हुए कोहरे में गर्मी है, जो ठंड के आगमन का प्रतीक नहीं लग रहा है। यह प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप का ही कारण है। मोतिहारी नगर सहित पूरे पूर्वी चंपारण जिला कोहरे के चपेट में एकाएक आ गया है, जिससे सड़क दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। न्यूज लेंस के लिए मोतिहारी से राजेश कुमार की रिपोर्ट। कहाँ जा रहे हैं? अब तो जा रहे हैं अपने डेरा से बाजार जा रहे हैं मार्केट तरफ। क्या कठिनाई हो रही है? कठिनाई तो सुबह से हम लोग मॉर्निंग पार्क करने निकलते हैं तो पूरा कुहासा रहता है, और शॉर्ट पैंट पहन के निकलते हैं, कुहासा है नहीं तो गर्मी का माहौल है। इसको क्या कहिए? क्या कहेंगे? प्रदूषण कहेंगे, प्रदूषण कहेंगे। इसलिए गर्मी का पूरा माहौल है, पूरा गाड़ी वाइक जितने भी रूप में सड़क पर चलता है उस वजह से धुआं निकलता है, अधिकांश धुआं निकलता है। इस पर ना सरकार पर करती है ना वो जो मोबाइल का जो प्राधिकारी है, गाड़ी के प्राधिकारी है, वो पॉल करते हैं, बदबू भी आता है। इसे तो बीमारी फैलने की संभावना, है। सरकार इस पर कोई पहल नहीं कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश श्रीवास्तव। सुबह में तो 5 बजे निकले थे टहलने के लिए, तो इस तरह का मौसम नहीं था। अच्छा, अभी जिस तरह सुबह हो रहा है उस तरह तरह मौसम इस तरह अंधेरा होता जा रहा है। इसको क्या मान रहे हैं? क्या माना जाए इसको? कुहासा में तो ठंडापन रहता है। कुहासा नहीं है, कोई सेक्टर पाला हुआ नहीं है, मोटरसाइकिल से चल रहा है उसी तरह, ठंडा नहीं है किसी को। इसको प्रदूषण मान लिया जाए। क्या नाम हो भाई? कैसा मौसम दिखाई दे रहा है? मौसम बहुत अच्छा नहीं है, कुहासा नहीं है, प्रदूषण है, क्योंकि इसमें ठंड नहीं है, गर्मी है। क्या अभी कुहासा जैसा गिर रहा है तो कुहासा मान लिया? कुहासा नहीं है, गर्मी है इसमें, ये प्रदूषण है। प्रदूषण? हाँ। क्या गाड़ी चलाने में कितना कठिनाई हो? बहुत कठिनाई हो रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, चलने में भी दिक्कत है, सांस लेने में भी दिक्कत है। क्या नाम हुआ आपका? रामबचन गिरी। न्यूज लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है